तीनों पीछे से एक्चुअल में चलने की आवाज आ रही है। आई स्वेयर देखने से। हाय गाइस, दिस इज अमय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस हॉरर वीक का आज लास्ट वीडियो है। आज हम करने वाले हैं ला लोरना रिचुअल, जिसको ऑल्सो कहते हैं क्राइंग वुमेन या फिर द वीपिंग वुमेन रिचुअल। इसकी बैक स्टोरी बहुत दिल दहलाने वाली जरूर है और वो मैं आपको पूरी तरीके से सुनाऊंगी भी। बट वो सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो ला लोरना की स्टोरी है, ये चालू होती है बरसों पहले मेक्सिको के एक छोटे से शहर में। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था मरिया। अब इस सुंदर लड़की पे सबका दिल आता था, पर ये किसी पे ध्यान नहीं देती थी। जब इस शहर में एक रहीज आदमी आया बाहर से, बिजनेसमैन, ये देख के वहाँ की लड़कियाँ सब थोड़ी बहुत उस पर फिदा होती थी। पर इस बिजनेसमैन ने जिसको पसंद किया वो थी, सही आपने गैस किया, मरिया। तो इसको मरिया इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि इसने जाके उसको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। और लकीली मरिया को भी या जो बिजनेसमैन था वो काफ़ी पसंद था, तो मरिया ने भी ज़्यादा सोचा नहीं और उसको हाँ बोल दिया। इन दोनों ने जल्द से जल्द शादी कर ली और उसी गांव में बस गए और इन दोनों के दो प्यारे प्यारे बेटे भी हो गए। अब ये आदमी बिजनेस के लिए बीच बीच में बाहर जाया करता था, पर यह आदमी जो कि बिजनेसमैन था ऑब्वियसली बिजनेस के लिए गांव में से काम नहीं कर सकता था, तो बाहर जाया करता था। बाहर जाता था क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इतने नहीं होते थे, तो वो जब जाता था वो काफ़ी दिनों बाद आता था। पर मरिया अंडरस्टैंडिंग थी तो वो ये समझ जाती थी कि ठीक है, काम है, करना पड़ेगा। और तो इस वजह से वो अपने बच्चों को अकेले संभालती थी और पति बाहर जाके पैसे कमाता था। पर एक दिन ऐसा आया कि इसका जो पति था ये गया जरूर, काफ़ी दिन हो गए, वापिस ही नहीं आया। और जब ये वापस नहीं आया तो मरिया कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उस टाइम में फ़ोन या कुछ तो होते नहीं थे, लेटर्स होते थे सिर्फ। तो इसने काफ़ी खत लिखे पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। तो मरिया बहुत दुख में चली गई, डिप्रेस्ड हो गई और वो अपनी मानसिक संतुलन खोने लगी। वो इतना चीख चीख के रोती थी उसके पति के याद में कि पूरा शहर, पूरा गांव ये सुन के उनका दिल दहकता था। पर एक महीने बाद एक खबर आई कि जो ये इसका पति था वो बाहर शहर से बाहर एक दूसरी शादी करके बस गया है। मरिया को जब ये पता चला तो मरिया टूट गई। मरिया का जितना डिप्रेशन था, उसको डिप्रेशन उसका मेंटल डिसऑर्डर बन गया। वो पगला गई, वो पागल हो गई, वो चीख चीख के चिल्लाने लगी। वो अपने दोनों बच्चों को पकड़ के खाट से उनको घसीटते हुए, एक पास में एक नदी हुआ करती थी उधर जाके उसने अपने बच्चों को डुबाना चालू कर दिया, इस गुस्से में कि उसके पति ने उसको धोखा दिया और वो उस आदमी के भी बच्चे थे। पर जब वो डुबा रही थी अपने दो मासूम बच्चों को, जब मासूम बच्चे जब चीख रहे थे, रो रहे थे, तब एकदम से मरिया को लगा कि शायद वो गलत कर रही है, उसको ये नहीं करना चाहिए। पर ये जब तक उसको एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके दोनों बच्चे अपना दम तोड़ चुके थे। वो वहाँ पे नदी के किनारे बैठ के बहुत रोई, बहुत रोई, दो दिन तक रोई। उसके बाद उससे सहा नहीं गया और उसने उसी नदी में अपनी जान दे दी। अब इसके बाद चालू होती है एक्चुअल में जो ला लोरना की आत्मा है वो क्यों भटकती है। ला लोरना जब मरने के बाद जब उसके सोल को ले जाने पाताल लोक से आया, क्योंकि उसने सुसाइड किया था, वो जन्नत उसको नसीब नहीं हो सकती, तो जब वो पाताल लोक जा रही थी तो उसको बोला गया कि तुझे पीस नहीं मिल सकता क्योंकि तूने अपने बच्चों को मारा है, तो उनकी आत्माओं को भी लेके आ, उनको भी ढूंढ के लेके आ, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। तो तब शुरू होती है ला लोरना की खोज अपने बच्चों को लेके। तो कहा जाता है मॉडर्न टाइम्स में कि ला लोरना स्टिल बच्चों को, बाप रे ऐसा लग रहा है जिन्होंने कर्टन में वहाँ पे कोई खड़ा है,
पर वहाँ पे सामान रखा है और वो मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई खड़ा है। ओके, तो अभी भी कहा जाता है कि ललोरना आती है, और ललोरना जब आती है तो उसकी ना चीखे, रोने की चीखे दूर दूर से सुनाई देती है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको कमरा ठंडा लगने लगेगा जैसे मुझे अभी लग रहा है, मैं स्टोरी बता रही हूँ उतने में। बट दिस इज़ व्हाट हैपेंस। एंड वो जब बच्चों को आके देखती है कि वो उसके बच्चे नहीं है, वो गुस्से में उनको पानी में डुबा के मार देती है। तो इस तरीके से काफी लोगों ने साइटिंग्स बताई है कि ललोरना को देखा गया है, पर क्या ये सच है नहीं है हमें नहीं पता। पर रिचुअल क्या है वो मैं बता देती हूँ। रिचुअल बहुत सिंपल है। हमें शीशे में जाके, किसी भी कमरे के शीशे में, चाहे बाथरूम का क्यों ना हो, वहाँ जाके शीशे में कैंडल पकड़ के 6 बार बोलना है ललोरना का नाम। उतने में कहा जाता है कि आपको ललोरना का एक टेढ़ा मेढ़ा चेहरा देखने को मिलेगा, पर आपको 6 बार बोलने के बाद उस कमरे से निकल जाना है, कमरा बंद कर देना है और उसके बाद बाहर आके बोलना है। इसमें 2 ऑप्शन है कि आप या तो गुड्डा गुड्डी रख लें अपने हाथ में, या तो आप कुछ ना रखें, चलता है, क्योंकि हमारे पास अभी गुड्डा गुड्डी नहीं है तो हम ये गुड्डा गुड्डी के बिना कर रहे हैं। पर बा सही में कुत्ते भौंकते हैं, एक्चुअली भौंकते हैं, देखना। बट बाहर आके बोलना है कि ललोरना आई हैव योर चिल्ड्रन, आई हैव योर 2 सन्स, ये बोलना है 6 बार, तो जाके रिचुअल फिनिश होगा। और फिर हमें वापस कमरे में जाना है, देखना है कि कुछ चेंजेस आए हैं क्या, दैट्स इट। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, गॉड ये लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है, मुझे उतनी ही वहाँ पे गंदी परछाइयाँ दिख रही। तो ये है कुछ इस तरीके का, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, लेट्स गो। चला जाए। यहाँ की लाइट बंद कर रहे हैं अपन। ओके, ललोरना 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 ललोरना, 6 बार बोल दिया मैंने। ये तो मन के वहम ही चालू जाते हैं। ओके गाइस, हमने यहाँ पे तो बोल दिया, एक तो घड़ी की आवाज और भी क्रीपी लगती है। आजा, बंद करते भाई साहब इसको। ओके गाइस, हमने इसको बंद कर दिया है और मुझे अब दरवाजे के बाहर इसी तरीके से खड़े होने और 6 बार बोलना है ललोरना I have your kids, Lalorna. I have your kids, Lalorna. I have your kids, Lalorna. I have your. हाँ? कैसे? What? तेरे पीछे से एक्चुअल में चलने की आवाज आ रही है। I swear. मेरे से यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ललोरना आई हैव योर किड्स, ललोरना आई हैव योर किड्स, बोल जाएगा 6 बार। ललोरना आई हैव योर किड्स, कुछ आवाज आई, कुछ आवाज आई, चिनू पक्का 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 आवाज आई, अब तो पक्का, हाँ पक्का आवाज आई, देखने से
कोई है बहन? फक ब्रो फक ब्रो फक बेटा, खत्म कर, बंद कर, पता नहीं क्या क्या खुले हुए नहीं थे? नहीं। श्योर? हाँ। अपन निकलने से खुले हुए नहीं थे? अपने आप क्यों खुल रहा है? क्या वो अपने आप खुले जा रहा है? बहस की नो, चिनो आ जा, बहन चिनो आ जा, चिनो आ जा।